हेलो गाइस, आई एम माधव लाठा फ्रॉम आईआईटी कानपुर। लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन लेक्चर 10। सो हम यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर के लिए। सो इसमें तीन केस होगा। पॉइंट अगर आउटसाइड द स्फेयर है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर है, या इनसाइड द स्फेयर है। सो अगर पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर है तो जो पूरा स्फेयर है उसका पूरा मास उस पर एक्ट कर रहा होगा। जैसे पॉइंट यहाँ पे है तो पूरा मास उस पर एक्ट कर रहा होगा। अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो ईजिली जो हमारा आउटसाइड वाला वी हो जाएगा, हमारा आउटसाइड द स्फीयर वाला वी इजीली हो जाएगा माइनस जी एम कैपिटल एम स्फीयर का मास ऑन आर। अगर हमारा पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है तो हम इसमें आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर देंगे, जिस स्फीयर की रेडियस होगी। हमारा वी हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। और अगर हमारा पॉइंट इनसाइड है तो ये हमें निकालते हैं। जैसे मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पे है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ओके। तो हमारा वी क्या होगा? वी होगा माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। पॉइंट को हम लाते हैं इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, सो इन्फिनिटी टू आर। सो हमारा वी क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर प्लस आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी। ओके, ये माइनस के बाहर है ब्रैकेट के। तब ये वाला तो हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पार्टिकल को पहले हम माइनस इन्फिनिटी से सरफेस पे ला रहे हैं, फिर सरफेस से अंदर लेके जा रहे हैं। ओके, तो हमारा वी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ये अंदर वाला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से अगर हम सरफेस पे ला रहे हैं तो हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू आर जी एम आर अपॉन आर क्यूब डी आर। सब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वी क्या आएगा? माइनस जी एम अपॉन आर प्लस अंदर वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा जी एम आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब लिमिट्स आर टू आर। ये यहाँ पे माइनस होगा, ओके। सो हम लिमिट्स खोलेंगे तो हमारे वी की वैल्यू आ रही है माइनस जी एम अपॉन आर प्लस स्मॉल आर डाला जी एम आर स्क्वेयर अपॉन टू आर क्यूब माइनस जी एम अपॉन टू कैपिटल आर। ये यहाँ पे भी कैपिटल आर था। तो फर्दर सॉल्व करेंगे वी की वैल्यू आएगी माइनस थ्री बाय टू जी कैपिटल एम बाय आर प्लस जी एम आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब। ये हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारा बाहर के लिए वी क्या था? माइनस जी एम अपॉन आर, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय। तो एक्स इज इक्वल टू आर से बाहर वाला ग्राफ ऐसा बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू आर पे हमारी वैल्यू थी माइनस जी एम अपॉन आर, और एक्स इज इक्वल टू आर से कम है तो ये वाला है। अब इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा इस टाइप का, ओके। ये हमारा सेंटर पे माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर। ये कैसे आया? हमने आर की वैल्यू जीरो पुट कर दी इसमें, इसमें वी क्या हो जाएगा? माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर कैंसिल माइनस थ्री बाई टू जी एम अपॉन आर। तो ये हमारा सेंटर पे पोटेंशियल, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड इट। We'll meet you in the next one. Thank you.